दोस्तों नमस्कार। जिस तरह से वख वख पंजाब दे हिंदू धर्म नू लेके ते हिंदू देव देवत्यां दे उत्ते जो साढ़े राज दे विच जां समाज दे विच राजनीतिक लोकां ने राजनीति दे नां ते साढ़े धर्म नू वंडिया जा रहा। अज शास्त्री जी साढ़े नाल आए हुए ने ते बहुत ही शास्त्रां दा ज्ञान है इन्हां नू ते हिंदू धर्म बारे हिंदू ग्रंथां बारे पिछले 40-45 सालों तो समाज की सेवा कर रहे हैं। सर अपना क्या नाम है जी? मेरा नाम है जी पंडित मोहन नौटियाल। सर आपने कहाँ से विद्या प्राप्त की जी? मैंने हरिद्वार से किया जी, हरिद्वार गुरुकुल से। ठीक है, क्या नाम थी सर? मेरा नाम जयराम आसा। सर आप कहाँ से हैं जी? मैं ऋषिकेश से बोलता हूँ। ऋषिकेश से जी। सर जैसे हमें बताया गया है जो परशुराम जी हैं जी, ये आप ऋषिकेश या इधर ही शिमला की तरफ से बताया जा रहा है, ये इनका जो जन्म स्थान है कहाँ है जी? नहीं, परशुराम जी तो ब्राह्मण वंश से हुए थे, इनका तो जन्म यहीं अयोध्या यूपी में हुआ था। ठीक है। हाँ जी, तो क्या कि उन्होंने ब्राह्मण के पक्ष में सारा किया था, ब्राह्मण वंश से पैदा हुए हैं। ठीक है जी। जैसे सर श्री राम जी की जो शादी हुई उसमें भी शिव जी का तंदुरुस्ती जो परशुराम जी की ये बिना कोई उत्साह नहीं सकता थी उसके? नहीं, वो क्योंकि शिव भक्त थे, शिव धनुष था और उनका जनक जी के पास राजा जनक था उस समय जनकपुरी में। उन्होंने वहाँ जाके जनकपुरी नेपाल में पड़ती है, वहाँ जाके उन्होंने विराजमान कर दिया था। धनुष के लिए उन्होंने एक वरदान था कि उस धनुष को हिला नहीं। तो सर जैसे हम देखते हैं जी आज हमारे जो कई ब्राह्मण ऐसे हैं जो पंजाब के जी, इनको तो 9 ग्रहों के बारे ही नहीं पता जी। आप ग्रहों में पहले कौन सा ग्रह है जी, कब का बात है जी? ग्रह तो 9 ग्रह हैं। सबसे पहले सूर्य नारायण जी, उसके बाद चंद्रमा है, उसके पश्चात मंगल है, उसके बाद बुध है, उसके बाद बृहस्पति है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद शनि देव है, उसके बाद राहु है। ये 9 ग्रह हैं। 8 पत्नियाँ हैं, 9 ग्रह और 24 उनकी 8 पत्नियाँ हैं। इसी तरह से 9 ग्रह परिक्रमा करते हैं भगवान सूर्य नारायण, स्थाई है, सारे ग्रह इनकी परिक्रमा करते हैं। सर जैसे गौ माता हमारे हिंदू समाज में कही जाते भी, इनके 33 देवी देवतियों का वास है, ये इनके गौ माता के बारे में बताएंगे सर इसका? गौ माता एक पवित्र है, हिंदू धर्म का हमारी जो गौ माता है, इनके अंदर 33 कोटि देवता वास करते हैं, 33 कोटि देवता वास करते हैं। प्रत्येक अंग में जो है माँ गाय के जो है विराजमान पूरे देवी देवता वास करते हैं। सर हमारे परशुराम जी को हम देखते हैं जी, हमारे हिंदुओं में 8 जो सिद्ध माने जाते हैं जी, जैसे पवन पुत्र हनुमान जी हुए हैं जी, परशुराम जी सर उनके बारे में बताएंगे? हाँ जी, ये अभी भी जो है इनके लिए वरदान है जी, जैसे हनुमान जी हो गया है, परशुराम जी हो गया है। ठीक है जी, इस तरह से सारे अभी जो है ये उनके लिए पूरा वरदान है, ये अभी इनकी कोई मृत्यु नहीं हुई है। ठीक है जी, ये अजर है, अमर है और हमेशा अजर अमर भी रहेंगे मनुष्य के उत्थान के लिए हमेशा जो है। जो मानुष इनको नित्य नियम संयम नियम के लिए इनका पालन पूजन करता है, इनको प्रत्यक्ष रूप से जो है इनको दर्शन देते हैं, आज भी इनको दर्शन देते हैं। सर जैसे हमारे 4 ग्रंथ कितने हैं जी, कितने ग्रंथ? तो केवल हमारे 4 ही ग्रह हैं, ग्रंथ है जी, 4 वेद हैं हमारे। ठीक है, 18 पुराण हैं हमारे। इसी तरह से जो है चारों पुराणों में से जो है जो हमारे हैं ये वेद हैं, चारों वेद से जो है 18 पुराण निकाले हुए हैं। ठीक है, ये सारी जो है वेद की वाणी है, भगवान शिव के डमरू से निकली हुई है। जैसे सर हमारे ब्राह्मण में कई बता रहते हैं, एक ब्राह्मण होता है, एक पंडित होता है, इनका क्या महत्व होता है? हाँ जी, हाँ जी, देखो जी पंडित और ब्राह्मण में अंतर होता है। ब्राह्मण और पंडित, पंडित तो उसको कहते हैं जो ज्ञानी, जिसको ज्ञान रखता है वो पंडित कहा जाता है। ब्राह्मण में से एक तो वंश है, ब्राह्मण एक जाति होती है जो कि ब्राह्मणों में होती है, क्योंकि पंडित को ज्ञानी हो जाता है। इसी तरह से जो अंतर है वंश भी है उनका, ब्राह्मण वंश पैदा होता है। जैसे सर हमारे समाज में देखा जाए पूरे पंजाब में एक शिव जी भगवान और कृष्ण जी के और दो जैसे राम जी के श्री शिव शंभु जी के मंदिर सबसे ज़्यादा है, इसका क्या महत्व है? हाँ जी, शिव और शक्ति का मंदिर सबसे ज़्यादा है, क्योंकि शिव के बिना कल्याण नहीं है, शक्ति के बिना कोई गोल नहीं है, इसलिए जो शिव शक्ति का ज़्यादा महत्व है। भगवान कृष्ण जी अवतारी हैं,
कृष्ण का भी मंदिर है, ऐसा तो नहीं है, हर जगह शिव है, शिव के बिना कल्याण नहीं। सर जैसे हमारे हिंदू धर्म में जो इस सृष्टि पर जिसने भी पैदा हुए, परमा श्री राम जी के रूप में आए या श्री कृष्ण जी के रूप में आए, सबको जहाँ मुसीबतें झलनी पड़ी, कष्ट झलने पड़े, ये जो पृथ्वी पर आते हैं, जो देवी देवते भी आते हैं, जी सभी को ही कष्ट क्यों झेलने पड़ते हैं? देखो जी, ये पृथ्वी में जो भी देवी देवता वास आते हैं करते हैं, वो बिना व्यस्ति के जीवन यापन नहीं होता है, ठीक है जी। इसलिए हर किसी मर्द की जीवन में एक स्त्री को आना जरूरी है, स्त्री का आना एक मर्द का होना जरूरी है, ताकि आगे वंश बढ़ाए सकें, आगे उत्थान कर सकें, क्योंकि स्त्री को हमारी जो माताएं बहनें हैं उनके सात रूप माना गया है, बेटी का भी रूप है इनका, लक्ष्मी का भी रूप है, पत्नी का भी रूप है, अत्यधिक समय पर अत्यधिक इनका जो है सात रूप बताते हैं, ठीक है जी। इसलिए स्त्री के पुरुष का प्रत्येक का बिना पुरुष से जो है हाँ नहीं संसार के अंदर। जैसे सर हमारे ऋषि मुनियों की कितनी बरादरियां हैं, जैसे हम मानते पूरी होए गिरी हुई जी? हाँ हाँ, ये तो देखो जी, इसमें तो कई प्रकार के हैं, उनमें ऋषि मुनियों की हम औलाद हैं, ठीक है, जो सारे ऋषि मुनि हुए थे उनके हमारे हम मनुष्य से पैदा हुए हैं, इनमें से हमारा वंश बड़ा था, इससे सारे जो गोत्राचार है, गोत्राचार सारी पुस्तक है, पुस्तक के अंदर एक गोत्राचार लिखा हुआ है, सारी पता कर सकते हैं किस गोत्र में से बढ़े हैं हम लोग, ऋषियों की औलाद हैं हम लोग। ब्रह्मा जी को वेद पुराण लिखने का अधिकार दिया, विष्णु कल्याण के लिए दिया गया, शिव कल्याण शिव कल्याण के लिए गया, और विष्णु जो है गृहस्थी जीवन में, तो आपने देखा होगा कहीं भी तो लक्ष्मी विष्णु राम सीता राधा कृष्ण ये सब चीज इसी के नाम से होता है, क्योंकि ये भारतवर्ष है, यहाँ भारतवर्ष में जो है नारियों की पूजा की जाती है, नारी को यहाँ पूजनीय माना जाता है सबसे ज़्यादा, जिस घर के अंदर नारी की पूजा होती है वहाँ लक्ष्मी साक्षात लक्ष्मी पैदा होती है। जैसे सर हमारे शास्त्रों में लिखा जाता है जो एकादशी को है, लोग कहते हैं इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए, इसका क्या सर? देखो जी, एकादशी का जो व्रत रखते हैं उसको एकादशी के चावल नहीं खाना चाहिए, ठीक है। एकादशी कहते हैं कि एकादशी क्या उस दिन चावल के अंदर चावल लगाते हैं, चावलों को लक्ष्मी स्वरूप कहा जाता है, एक ही जगह टीका लगाते हैं वह है बद्रीनाथ, बद्रीनाथ में बद्रीनारायण जी जो है वहाँ पे चावलों पर टीका लगाते हैं, चावल चढ़ते हैं, और एकादशी का दिन ही वहाँ चावल का भोग लगता है। तो ये थी हमारे शास्त्री जी, जिन्होंने ऋषिकेश में इनका जन्म स्थान है और हरिद्वार से इन्होंने विद्या प्राप्त की, हम इनका बहुत अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने हमारे हिंदू समाज और हिंदू धर्म के बारे में बताया। धर्मपाल जसमाज।